Now, laws of motion, कुछ तो हम लोगों के पास basic idea है, what are laws of motion, still I will explain this to you. मेरे पास एक object है, suppose मेरे पास ये phone रखा है, ठीक है? मैंने एक table पे इस object को रख दिया, right? क्या ये अपने आप move करना शुरू करेगा? राइट कोई भी हो जैसे ये चेयर रखी है क्या ये ऑटोमेटिकली हिलना शुरू करेगी नहीं करेगी राइट कोई भी ऑब्जेक्ट है चाहे ये मार्कर रखा हो चाहे ये फोन हो चाहे ये चेयर हो एनीथिंग विल नॉट स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स ओन या फिर अगर इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेज करूं अगर एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है तो क्या ये अपने आप रुकेगा You understand कि वो नहीं रुकेगा Why? Because we have a very important property of matter called as inertia. Right? Inertia सबको मालूम है inertia सबको याद होना चाहिए class 9 से that any object that is at rest will remain at rest. An object in motion will continue to move with the same uniform velocity until and unless both of these objects experience a certain unbalanced force. जब तक एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगेगा वो चलना शुरू नहीं करेगा रेस्ट से या अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो अपने आप रुकेगा नहीं दोनों ही कंडीशंस ट्रू हैं राइट कब तक जब तक एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पे ना लगे क्वाइट सिंपल ठीक है इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया So inertia basically refers to the property of matter by virtue of which any object will oppose the change in the state of motion. किसको oppose करेगा? Change को oppose करेगा. मतलब अगर object rest पर है, तो rest पर ही रहेगा. इस state of motion को change होने से वो oppose करेगा. Right? That's what inertia is. Correct? This was the first law of motion. ठीक है, if you want to note this down, please do that. An object in motion, yeah, an object at rest remains at rest. An object at rest remains at rest, and an object in uniform motion continues to move with a constant velocity. Unless the object experiences an external unbalanced force. So an object in a uniform motion continues to move with a uniform velocity. Constant velocity or uniform velocity unless the object experiences an external unbalanced force. Right? That's the first law. And we understand a property called inertia. Now, inertia dekhte hain ek bar. Inertia ko thoda sa aur samajhne ki koshish karte hain. Now, inertia basically is a measure of mass of an object. Inertia kya hai? Inertia kuch nahi hai, sirf ek object ke mass ka measure hai. Right? Mass means the amount of matter that's stuffed into it. That's mass, right? That's mass. Agar ek object ka mass bahut zyada hai, usme bahut zyada inertia hai. अगर एक ऑब्जेक्ट का मास कम है उसमें इनर्शिया कम है लेकिन है ज़रूर ऐसे सारे ऑब्जेक्ट जिनमें मास है चाहे वो एक डस्ट पार्टिकल क्यों ना हो या वो इट्स यू नो एज ह्यूज एज प्रॉब्ली अ ट्रक और अ ट्रेन एवरीथिंग हैज़ मास अ स्पेक ऑफ डस्ट ऑल्सो है बहुत छोटा एयर का भी मास होता है जिसका मास है उसका इनर्शिया है राइट ज़्यादा मास है तो ज़्यादा इनर्शिया है कम मास है तो कम इनर्शिया है राइट नाउ यू अंडरस्टैंड कि अगर मेरे पास एक बाइसिकल है
बाइसिकल भी रेस्ट पे है और एक ट्रक है, ट्रक भी रेस्ट पे है, मैं दोनों पर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाऊं, कौन जल्दी मूव करेगा? एक बाइसिकल जल्दी मूव करेगा क्योंकि उसका मास कम है, क्यों? कि उसमें इनर्शिया कम है, ठीक है? जिसका कम इनर्शिया होगा उसका चेंज भी जल्दी होगा या ज्यादा आसानी से चेंज होगा, दैट्स व्हाट इनर्शिया इज। अभी इसी लॉ को, फर्स्ट लॉ को हम लोग मैथमेटिकली भी समझेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पहले एक और चीज है विच इज कॉल्ड मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम बेसिकली एक एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पी, राइट? और क्या होता है मोमेंटम? यस, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी। तो क्या किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कभी जीरो हो सकता है? हो सकता है जब उसकी वेलोसिटी जीरो है। मास यूजुअली जीरो नहीं होता किसी ऑब्जेक्ट का, वेलोसिटी अगर जीरो है मतलब ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है उसका मोमेंटम जीरो हो सकता है, इट्स पॉसिबल, ठीक है? नाउ मोमेंटम समझ आया, यूनिट क्या होना चाहिए मोमेंटम का? केजी मीटर पर सेकेंड। एम इज द मास, मास से हमारे पास केजी आएगा, वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, सो केजी मीटर पर सेकेंड इसका इसका यूनिट हो गया। इसका डायमेंशन क्या होगा? केजी किसको मेजर करता है? मास को। मीटर लेंथ और सेकेंड टाइम, सो एम एल टी माइनस वन इज द डायमेंशन फॉर मोमेंटम, ठीक है? ओके, नाउ वी हैव अ सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। पहले इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं, राइट डाउन प्लीज। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional to the external force applied on the object. The external force applied on the object. You can write down external unbalanced force. Applied on the object and acts in the direction of the applied force and acts in the direction of the applied force. क्या मतलब हुआ इस चीज का? पहला स्टेटमेंट हमसे बोल रहा है कि द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट? इसको एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है जो कि इनिशियली रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है? अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो मतलब इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा, मास इनटू वेलोसिटी। नाउ मैंने क्या करा, मैंने इस ऑब्जेक्ट पर थोड़ा सा फोर्स लगाया, थोड़ा सा लगाया, बहुत ज्यादा नहीं लगाया, सपोज 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है? 5 न्यूटन के फोर्स से क्या होगा, अज्यूम करें अभी इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, अभी हम लोगों ने फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस नहीं करा, अज्यूम करते हैं ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। मैंने ऑब्जेक्ट पर लगाया थोड़ा सा फोर्स, क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट मूव करेगा, थोड़ा सा मूव करेगा, मैं कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स कांस्टेंट है, 5 न्यूटन का फोर्स मैंने कंटिन्यूसली इस पर अप्लाई करा, क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए। अब फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन अगर होगा
तो ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज करेगी। अभी इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है, कुछ टाइम बाद इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सपोज इसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, मैंने और फोर्स अप्लाई करा, स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, और अप्लाई करा हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। मैं फोर्स अप्लाई करता जा रहा हूँ, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद सपोज 30 सेकेंड्स के बाद इसकी स्पीड हो गई 6 मीटर्स पर सेकेंड। जस्ट एन अजम्पशन, दिस इज आफ्टर 6 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, ठीक है। सपोज इसका मास अगर मेरे पास 10 kg था, अभी इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो था, अभी इसका कुछ फाइनल मोमेंटम आ जाएगा 60 kg/s। नाउ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, आपने 30 सेकेंड्स तक फोर्स लगाया, आपने इस पर फोर्स लगाया था 5 newtons, राइट। इसको 0 से 60 kg/s तक का मोमेंटम चेंज करने में 30 सेकेंड्स लगे। कुछ मोमेंटम चेंज हुआ, रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं, निकाल सकते, डोंट गो बाय द वैल्यूज, मैंने कैलकुलेट करके वैल्यूज नहीं लिखी हैं, बट जस्ट फॉर यू टू हैव एन आइडिया, जितना मोमेंटम चेंज हुआ वो उसको चेंज होने में 30 सेकेंड्स लगे, ठीक है। नाउ इफ आई वॉन्ट कि मोमेंटम उतना ही चेंज हो लेकिन कम टाइम में, इन द सेंस इसकी वेलोसिटी जो 6 मीटर पर सेकेंड हुई है वो 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होने में 30 सेकेंड्स लगे। अगर मैं फोर्स ज़्यादा लगाता तो कम टाइम में चेंज हो जाता, मैं और ज़्यादा फोर्स लगाता वो और कम टाइम में चेंज हो जाता, मेक सेंस? यस, मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो सेम फाइनल वेलोसिटी अटेन हो जाएगी कम टाइम में। सो इफ आई टॉक अबाउट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। अगर होता चेंज इन मोमेंटम वो होता फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, आई एम टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज मतलब चेंज पर यूनिट टाइम, राइट। तो अगर टाइम कम है तो रेट ऑफ चेंज बढ़ना चाहिए, और रेट ऑफ चेंज किसके इक्वल होता है सेकेंड लॉ के हिसाब से? फोर्स के। अभी स्टेटमेंट लिखा आप लोगों ने, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। सो ये जो क्वांटिटी है ये फोर्स के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो इट्स ऑब्वियस कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो टाइम कम होगा, प्रोवाइडेड चेंज इन मोमेंटम सेम है, पहले जीरो था अभी 60 है, चेंज उतना ही रखना है लेकिन कम टाइम में। तो रेट ऑफ चेंज अगर बढ़ाना है, अगर कम टाइम में उतना ही मोमेंटम में चेंज लाना है तो मुझे फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। तो रेट ऑफ चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फोर्स के, यही आपका सेकेंड लॉ बोलता है। द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। सिंपल, समझ आया ये चीज? इसको एक बार नोट करिए। अब इसका हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन देखते हैं, राइट। कर दो इसको, मेरे पास है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, सो फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास वी माइनस यू अपॉन टी, एंड व्हाट इज वी माइनस यू अपॉन टी? दैट इज एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। सो टू रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन वी हैव टू यूज अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज के एम इंटू ए, बट के की वैल्यू तो हमें पता नहीं, थियोरेटिकली तो हम लोग पता नहीं कर सकते, इसको हम लोगों को एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन करना पड़ेगा, एंड द एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिंड वैल्यू ऑफ के इज 1।
सो के की वैल्यू अगर 1 है तो फोर्स मेरे पास आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, अ रिलेशन विच वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद. ठीक है, तो ये यहाँ से आपके पास आया फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. नोट दिस डाउन प्लीज. सेम लॉ अगर हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में देखें, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. दैट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ पी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड. प्लीज अंडरस्टैंड द फोर्स इज एक्सटर्नल. एक्सटर्नल फोर्स मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर से फोर्स ओरिजिनेट नहीं हो रही, फोर्स हो रही है वो बाहर से. अगर एक ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट के बाहर से फोर्स आ रही है. अगर एक सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम के बाहर से फोर्स आ रही है, सिस्टम की भी इंटरनल फोर्सेस नहीं है. क्या मतलब होगा इसका, अभी थोड़ी देर में देखेंगे जब हम लोग कोलिजन्स करेंगे. राइट, वील अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, इसको आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा. डी पी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड. That means the external force should also be proportional to dP by dt. So external force is proportional to d by dt of p. P is momentum. And what is momentum? Mass into velocity. mv. Mass तो usually objects का constant रहता है. So m बाहर आ जाएगा. So d by dt of v. What is dv by dt? A. So the external force applied is proportional to mass into acceleration and we get the same result. Isme bhi same cheez hai, the value of k again has to be 1. K into m into a, k happens to be 1. So therefore the external force is mass into acceleration. अगर एग्जाम में आता है तो प्लीज आप इस तरीके से करो एंड नॉट दिस वे. राइट, इसको नोट करिए एक बार. अब हम लोग इस लॉ से जो हम लोगों ने सेकेंड लॉ डिराइव किया है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, अंडरस्टैंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, आप ये नहीं लिखोगे force equal to mass into acceleration is not the second law. Second law of motion is this. Second law से हमने derive करा कि force equal to mass into acceleration. नहीं नहीं, ये तो ninth वाला, इसको छोड़ दो, यहाँ वाला, ये वाला. Second law of motion में differential form में. Differential form में statement लिखो और statement के बाद यहाँ से continue होगा. ठीक है, सो ये सेकेंड लॉ है, ये सेकेंड लॉ नहीं है. इस सेकेंड लॉ से डिराइव करके आपने रिलेशन निकाला है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है कि अगर पूछा जाए कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, बच्चों ने ये लिख दिया, वहीं पे आपके मार्क्स कट जाएंगे. डोंट डू दैट. ठीक है, ऑलराइट, आगे चलते हैं. थोड़ा सा इस लॉ से हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिराइव करते हैं. सो लेट्स ट्राई टू डिराइव द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन which was the inertia law from the second law. इसको raise करो. Now see, मैंने बोला that the external force applied is equal to the rate of change in momentum. अब मैं equal लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है k की value 1 है. ठीक है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज 1, सो इंस्टेड ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी साइन आई कैन डायरेक्टली यूज द इक्वल टू साइन. राइट, नाउ जस्ट इन केस मेरा एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए, एक्सटर्नल फोर्स 0 का मतलब मैं एक ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, आई एम नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स. सो इफ आई एम नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स, इस रिलेशन के हिसाब से dp by dt 0 हो जाना चाहिए, मतलब द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम 0 हो गया. किसी का डिफरेंशियल 0 कब होता है, किसका डिफरेंशियल 0 होता है, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है. मैंने आपको डिफरेंशिएशन करते टाइम बताया था d by dt ऑफ एनी कांस्टेंट k इज 0, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ कांस्टेंट
इज जीरो, तभी तो वो कांस्टेंट है, राइट? सो डी पी बाई डी टी जीरो, इसका मतलब पी इज कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम ऑब्जेक्ट का चेंज हुआ ही नहीं। तो मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट वेलोसिटी यू से चल रहा था, इसका मोमेंटम था एम इन टू यू, अगर इसकी वेलोसिटी चेंज होती तो इसका मोमेंटम भी चेंज होता। अगर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से मूव करेगा, यही फर्स्ट लॉ है। रीड द स्टेटमेंट अगेन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंटिन्यूज टू मूव विद द सेम वेलोसिटी अनलेस अंटिल एंड अनलेस देयर इज एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा कब तक, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगेगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, यही फर्स्ट लॉ है। सो वी वर एबल टू डिराइव द फर्स्ट लॉ फ्रॉम द सेकेंड लॉ। कई भी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि डिराइव द फर्स्ट लॉ, जस्टिफाई द फर्स्ट लॉ यूजिंग द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज हाउ यू विल डू इट, राइट? इसको भी नोट करिए प्लीज एक बार। All right, now we have the third law of motion, right? Third law of motion का statement तो I think सबको याद है, सबको मालूम है, that for every action there is an equal and opposite reaction, right? इसका थोड़ा सा mathematical हम लोग देख लेते हैं। Mr. Kange भाई, अच्छा टू अंडरस्टैंड द थर्ड लॉ, मैं दो ऑब्जेक्ट्स लेता हूं, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक एक्शन फोर्स लगाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स आउट। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज एक ऑब्जेक्ट ऐसा है यहां पर जो एक वेलोसिटी वी टू से मूव कर रहा है जिसका मास एम टू है, और एक और ऑब्जेक्ट है उसके पीछे पीछे चल रहा है जिसकी इसकी यू टू ले लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू वन है और इसका मास एम वन है, एंड आई एम अज्यूमिंग दिस टू बी अ यूनिडायरेक्शनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, राइट? प्लेन में नहीं है, एक ही डायरेक्शन में है। नाउ अगर यू वन की वेलोसिटी मतलब एम वन की वेलोसिटी जो है यू वन, वो अगर ज्यादा होगी U2 से, क्या होना चाहिए? कोलाइड करेगा, ठीक है? नाउ दिस इज बिफोर द कोलिजन टेक्स प्लेस। ये मैं एक इंटरमीडिएट बना रहा हूं जहां पर कोलिजन हो रहा है, और ये है आफ्टर कोलिजन। जब कोलिजन हुआ, M1 ने M2 को पुश करा, राइट? तो M2 की वेलोसिटी चेंज होगी, M2 की पहले वेलोसिटी थी U2, अब M2 की वेलोसिटी आई एम अज्यूमिंग टू बी V2, राइट? कुछ तो M1 की वेलोसिटी पर भी फर्क पड़ना चाहिए, पड़ेगा। आई एम अज्यूमिंग इसकी वेलोसिटी हो गई V1, ठीक है? ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दी ऑब्जेक्ट M1 जो कि U1 वेलोसिटी से चल रहा था, दैट वाज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, तो M1 पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, ठीक है? M2 की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, U2 वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब इसका भी एक्सेलरेशन जीरो है,
मतलब इस पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी जीरो होगा, तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अभी इस पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, करेक्ट ना हो। कोलिजन हुआ तो क्या हुआ, ये M2 है, ये M1 है, M1 ने पीछे से आके इस पर एक फोर्स लगाया लाइक दिस, ठीक है। तो M1 ने कुछ फोर्स लगाया जिसकी वजह से M2 की वेलोसिटी चेंज हुई। अगर M1 फोर्स नहीं लगाता पीछे से तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो M1 ने आके उसको पुश करा, इसीलिए M2 की वेलोसिटी चेंज हो गई। दिस इज आफ्टर कोलिजन। करेक्ट। सो क्योंकि M1 ने M2 पर फोर्स लगाया, वो फोर्स M2 के लिए एक्सटर्नल फोर्स है, और क्योंकि M2 पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इसलिए उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, इसलिए उसका मोमेंटम चेंज होगा, होगा परफेक्ट। अब M1 को देखते हैं, M1 का कुछ इनिशियल मोमेंटम था, कुछ फाइनल मोमेंटम है। M1 का भी मोमेंटम चेंज हुआ, क्योंकि M1 का मोमेंटम चेंज हुआ तो M1 पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स होनी चाहिए थी, क्यों होगी, M2 की वजह से, है ना। तो कुछ तो फोर्स M2 ने M1 पर भी लगाया होगा, जैसे M1 ने M2 को पुश करा वैसे M2 ने M1 को भी पुश करा होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का मोमेंटम चेंज हुआ है, क्योंकि दोनों पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगी है। M2 पर एक्सटर्नल फोर्स लगी M1 की वजह से, M1 पर एक्सटर्नल फोर्स लगी M2 की वजह से। तो इंडिविजुअल अगर हम लोग मासेस को देखेंगे, M1 का मोमेंटम कंजर्व नहीं हुआ क्योंकि M1 पर एक्सटर्नल फोर्स लगी है, M2 का भी मोमेंटम कंजर्व नहीं हुआ क्योंकि M2 पर भी एक्सटर्नल फोर्स लगी है। लेकिन अगर आप इसको एक सिस्टम कंसिडर करो, ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम पर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सिस्टम का क्या मतलब हुआ, आप इमेजिन करो आपके पास एक बॉक्स है, राइट, एक कार्डबोर्ड बॉक्स है, आपने उसको टेबल पर रख दिया, ठीक है, और उसके अंदर आपने दो मासेज रख दिए। अगर मासेज अंदर कोलाइड करेंगे तो वो अपनी वेलोसिटी की वजह से कोलाइड करेंगे ना, आप उस बॉक्स पे तो फोर्स नहीं लगा रहे, कोई बॉक्स तो टेबल पर रखा हुआ है, बॉक्स पर तो कोई फोर्स नहीं है, तो वो बॉक्स एक सिस्टम बन गया। उस सिस्टम में दो मासेज हैं M1 और M2, क्योंकि आप उस बॉक्स पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, मतलब आप उस M1 प्लस M2 का जो सिस्टम है उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, मतलब उस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मतलब सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। जब भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है मोमेंटम कंजर्व होता है, अभी करा था हम लोगों ने, मेक सेंस, राइट। तो उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा, इंडिविजुअल मासेस का नहीं होगा, इंडिविजुअल मासेस पर एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। सो अगर मैं एक सिस्टम का मोमेंटम निकालूं, इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम निकालता हूं, उसी सिस्टम का फाइनल मोमेंटम निकालता हूं, एंड आई नो दैट बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी कंजर्व्ड। डू आई मेक सेंस टू यू गाइस, समझ आ रहा है। चलिए, सो इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, दिस इज M1 U1 प्लस M2 U2। आफ्टर कोलिजन फाइनल मोमेंटम कितना है ऑफ द सिस्टम, दिस इज M1 V1 प्लस M2 V2। एंड सिंस इसको मैं P इनिशियल ले लेता हूँ, इसको मैं P फाइनल ले लेता हूँ, एंड सिंस द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। यही पढ़ा था हम लोगों ने जब सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ डिराइव करा था, P कांस्टेंट आया था हमारे पास, राइट। इसका क्या मतलब हुआ, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ एक बार, या इस साइड पे लिख देता हूँ। मेरे पास आया M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। ये चीज़ समझ में आई,
initial momentum of system is equal to final momentum of the system. Momentum is conserved in the absence of any external force, right? लेकिन हम लोग को third law derive कर रहे थे, इसके continue करते हैं third law. मैं m1 वाले terms एक तरफ रखता हूँ, m2 वाले terms दूसरे तरफ रखता हूँ. तो ये m1 u1 minus m1 v1, इस term को transpose करा मैंने LHS में, equal to यहाँ पर already m2 v2 है, इस m2 हाँ इसको right side पे ले जाइए m2 v2 u2. इसमें से मैं माइनस एम वन कॉमन ले सकता हूं, सो ये आ जाएगा वी वन माइनस यू वन, क्योंकि मेरे को फाइनल माइनस इनिशियल चाहिए. अगर एम वन कॉमन लेता तो यू वन माइनस वी वन आता, इनिशियल माइनस फाइनल, राइट. इसमें से एम टू कॉमन लो, क्या आएगा, वी टू माइनस यू टू, फाइनल वेलोसिटी ऑफ एम टू माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एम टू. यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक और चीज बताओ, यहां पर क्या था, m1 और m2 मूव कर रहे थे, तो ये m2 है, ये m1 है, ये दोनों मूव कर रहे हैं. m1 की वेलोसिटी ज्यादा है तो इसने जाके इसको पुश करा, राइट, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी भी चेंज हुई, इसकी वेलोसिटी भी चेंज हुई. तो जितनी देर तक m1 m2 के कॉन्टैक्ट में था, कॉन्टैक्ट होगा बिकॉज दे आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस, तो कॉन्टैक्ट में जितनी देर m1 m2 के था उतनी ही देर m2 भी m1 के कॉन्टैक्ट में था, दोनों की टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट सेम है. अगर उस टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट को हम लोग t ले लें और t से डिवाइड कर दें, क्योंकि जितनी वेलोसिटी चेंज हुई है उतने ही टाइम में चेंज हुई. जब कॉन्टैक्ट में था तभी वेलोसिटी चेंज हुई, जब कॉन्टैक्ट से हट गया तब तो फोर्स लगा ही नहीं सकता बिकॉज इट्स अ कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट. तो अगर वो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट टी है, उस टी से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग एलएचएस एंड आरएचएस बाय टी. सो माइनस एम वन वी वन माइनस यू वन अपॉन टी इक्वल्स टू एम टू इंटू वी टू माइनस यू टू अपॉन टी, करेक्ट. अब ये क्या है, एक्सेलरेशन, ये m1 की एक्सेलरेशन है, क्योंकि m1 की फाइनल वेलोसिटी माइनस m1 की इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो दिस इज m1 इनटू a1, एक्सेलरेशन ऑफ m1 इक्वल्स टू m2 इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ m2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m2 अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन ऑफ 2. नाउ m1 का एक्सेलरेशन क्यों हुआ, M2 की वजह से. M2 का एक्सेलरेशन क्यों हुआ, M1 की वजह से. तो इसको मैं A12 लिख दूं और इसको A21 लिख देना, जस्ट टू शो दैट दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ 1 ड्यू टू 2 एंड दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ 2 बिकॉज ऑफ 1 ड्यू टू 1. यहां पे हम लोग लिख भी सकते हैं A21 इज एक्सेलरेशन ऑफ M2 ड्यू टू M1 एंड A12 is acceleration of m1 due to m2. So, but जब time of contact है, that's time of contact. जो velocity change हुई वो उतने ही time में change हुई जितने time m1 m2 के contact में था, वो वाला time है, ठीक है. So mass of m1 into acceleration of m1. मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स. सो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन. सो फोर्स ऑन टू, पीछे से एम वन आया था, एम वन ने एम टू को कॉन्टैक्ट करा, इसने एक्शन लगाया, एम वन ने एम टू पर जितना फोर्स लगाया एम टू ने उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया, नेगेटिव साइन. तो यहां से मेरे पास आ गया दैट फॉर एवरी एक्शन फोर्स ऑन टू, एक्शन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. दिस इज योर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट, नेगेटिव साइन ऑपोजिट डायरेक्शन बताता है,
every action there is an equal and opposite reaction. This is my third law of motion. Note this down, please.